हेलो दोस्तों, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम CTET के सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान का अगला भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 7 के इतिहास का लेसन नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान। लेसन का नाम है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर, यहाँ पर शहर होगा शहर हर। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। यह पूछता है कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर कब बना, तो दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। आइए देखते हैं कि दिल्ली पर किस किस शासकों ने कब कब शासन किया। तो शुरुआत होती है राजपूत वंश से। राजपूत वंश में तोमर, आरंभिक 12वीं शताब्दी। तोमरों का शासनकाल शुरुआत के आरंभिक 12वीं शताब्दी था। अनंगपाल, तोमरों का पहले शासक थे अनंगपाल। अनंगपाल का कार्यकाल 1130 से 1145 तक था। चौहान, इसके बाद चौहान आते हैं। चौहान में 1165 से 1192 तक कार्यकाल था। पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल 1175 से 1192 तक था। प्रारंभिक तुर्की शासक, जो शुरुआत के तुर्की शासक थे, उनका कार्यकाल का समय है 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक, और रजिया का 1236 के बाद 1240, और बलबन 1266 से 1287 तक। ये प्रारंभिक तुर्की शासकों का कार्यकाल था। खिलजी वंश का कार्यकाल शुरू होता है 1290 से 1320 तक। पहले खिलजी वंश के थे जलालुद्दीन खिलजी। प्रथम शासक खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। इनका कार्यकाल 1290 से 1296 तक था। अलाउद्दीन दूसरे थे, अलाउद्दीन खिलजी। इनका कार्यकाल 1296 से 1316 तक था। तुगलक वंश, इनके बाद आते थे तुगलक वंश। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा दिल्ली पर। पहले तुगलक वंश के शासक थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, दूसरे मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक, और तीसरे फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1491 तक था। खिज्र खान 1451 तक। खिज्र खान सैयद वंश के शासक थे। खिज्र खान 1414 से 1421 तक। फिर आते हैं लोदी वंश 1451 से 1425 तक, 1525 तक सॉरी। लोदी वंश का शासन का कार्यकाल था 1451 से 1525 तक। बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना की थी। सुल्तानों के शासन की भाषा फारसी थी। इन दिल्ली पर जो जिन सुल्तानों ने शासन किया था उनकी भाषा फारसी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। जो रजिया सुल्तान थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकती वंश का राज्य था। उस समय उस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। रानी दिद्दा कश्मीर की रानी थी। जो रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की थी और रानी दिद्दा कश्मीर की रानी थी। गैरिसन शहर जहां सैनिक रहते थे, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। गैरिसन शहर, यह अक्सर पूछता, अभी तो जुलाई में ही पूछा था 2019 जुलाई के एग्जाम में कि गैरिसन शहर क्या है। तो गैरिसन शहर वह है जहाँ पे सैनिक रहते थे, और गैरिसन शहर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था।
कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद था उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने किया था। इस मस्जिद की मीनारें, मस्जिद को तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, लेकिन इस मस्जिद की जो मीनारें थीं उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह द्वारा बनाई गई थी। तो इसकी मीनारें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह के द्वारा बनवाई गई थी। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के कार्यकाल में हुआ था। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के काल में बनी। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने किया था, तो बेगमपुरी मस्जिद जो है उसका निर्माण मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ था। अफ्रीकी देश का मोरक्को का निवासी 14वीं सदी में भारत आया था, वह था इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीकी देश के मोरक्को देश मोरक्को का निवासी था जो 14वीं सदी में भारत आया था। बर्नी भी 14वीं शताब्दी में ही भारत आया था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1212 में उत्तर पूर्व ईरान को ट्रांस आक्सियान जो था जिसका आधुनिक नाम उज्बेकिस्तान है पर हमला किया। 1400 चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1212 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1212 में उत्तर पूर्वी ईरान पर आधुनिक जो उज्बेकिस्तान कहा जाता है उस पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। इसके तुरंत बाद मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में हुए थे। दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के समय में हुए थे। दिल्ली में सबसे पहले राजधानी बनाया तोमरों ने। दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाया तोमरों ने। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। दिल्ली सल्तनत जो है उसका विस्तार सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। पहले के सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके इक्ता कहलाते थे, जो इक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार नियुक्त किए और ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। जो इक्ता होते थे उन्हें जो संभालने के अधिकारी होते थे उन्हें इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। अपने इलाकों में राजस्व वसूली का काम भी मुक्ति करते थे। जो उनके इलाके होते थे उनके राजस्व जो वसूली का काम होता था वह मुक्ति ही करते थे। सल्तनत काल में तीन तरह के कर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सल्तनत काल में कितने तरह के कर थे। तो सल्तनत काल में मुख्य तीन तरह के कर थे। पहला कर था कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। पहला कर कृषि पर कर था जिसे खराज कहा जाता था और लगभग उपज का 50% होता था। दूसरा कर था मवेशियों पर कर, मतलब जानवरों पे जो होते थे उन पर भी कर लिया जाता था। और तीसरा घरों पर कर, बदंगा, गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बदंगा किसे कहा जाता है, तो उस समय के जो गुलाम होते थे उनको फारसी में बदंगा कहा जाता था। तो दोस्तों इसी के साथ यह आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें जरूर करें। धन्यवाद।